आप बोलो ओम शांति, हाँ बोलो ओम शांति, हाँ वेरी गुड। आज हम जब मेडिटेशन में अभी बैठे थे 3 मिनट के लिए, तो हमें एक बहुत अच्छा दृश्य सामने दिखाई दिया क्या देखा कि आप सभी के मस्तक के बीच एक सितारा चमक रहा था। I just found it myself. I'm Shanti, excuse me. English is, the numbers are up there, but it's 104. Okay. The English, excuse me, for you got that? Okay, thanks, Daddy. Thank you, Mirabin. Is it okay? Yeah, she can start. Okay. Yes, Daddy. Thank you. Bolo, okay. तो मैं सुना रही थी कि हमने एक दृश्य देखा कि आप सभी के मस्तक के बीच एक सितारा चमक रहा था। वो सितारा कौन सा था? तो वो था आपके स्पिरिचुअल लक का सितारा। आप सभी बहुत बहुत लकी है और विशेष परमपिता परमात्मा जो प्यारे ते प्यारा है, मीठे ते मीठा है, उसके लवली है, इसलिए आपके स्पिरिचुअल लक का सितारा आपको यहाँ ले आया है। इसलिए हम अपने प्यारे पिता परमात्मा के द्वारा आप सबका लक दे करके बहुत बड़े खुश हैं। आपके लक ने यहाँ तक तो आपको पहुँचा दिया है। वैसे इंडिया में कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा होगी तो हम पहुँच जाएंगे, तो हमने देखा कि परमात्मा की तो आपके ऊपर आशीर्वाद हुई है जो यहाँ तक आपको पहुँचा दिया। अब आपको क्या करना है? परमात्मा ने अपना कार्य कर लिया, पहुँचा दिया। अब आप सभी भाई और बहनों को हम देख रहे हैं कि शांति प्रिय आत्माएं तो हो। जब शांति प्रिय हो
तभी यहाँ तक आए हो। अब इस शांति को अपने पास अविनाशी रखना है। अल्प काल की शांति का तो अनुभव है ही, लेकिन हर आत्मा को चाहिए सदा काल की शांति, अविनाशी शांति। तो अविनाशी चीज अविनाशी द्वारा ही मिल सकती है। जैसे हमको कोई भी चीज चाहिए, मानो कपड़ा चाहिए, तो जो कपड़े का दुकान होगा वहाँ से ही हमें कपड़ा मिल सकता है। हम ज्वेलरी के दुकान पर जाए तो भी कपड़ा नहीं मिलेगा। जहाँ से जो चीज़ मिल सकती है वहाँ से ही मिलेंगी। तो हमें अविनाशी शांति चाहिए। तो अविनाशी कौन? परमात्मा के लिए ही गाया हुआ है कि परमात्मा अजन्मा है, अकाल मूरत है, अविनाशी है। तो अविनाशी शांति हमको मिलेंगी ही परमपिता परमात्मा अविनाशी पिता से। और हमारा हक है शांति, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्यों? हम परमात्मा की महिमा करते हैं तो परमात्मा को सदैव सुख का सागर व सुख दाता कहते हैं। सुख का सागर है, शांति का सागर है, अविनाशी प्रेम का सागर है, सब का सागर हमारा परमपिता परमात्मा है और हम उसके बच्चे हैं। जब हम उसको पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, तो जो फादर के पास प्रॉपर्टी होती है वो बच्चे का हक होता है। तो आप सभी जो भी यहाँ आए हो वो सिर्फ आबू के चक्कर लगाने नहीं आए हो, लेकिन अपने बाप के घर में आए हो, परमात्मा के घर में आए हो, परमात्मा पिता से अपना जन्म सिद्ध अधिकार लेने के लिए। आत्मा का हक है जो परमात्मा के पास है, वो हमें होना ही चाहिए, लेकिन है नहीं अभी। उसका कारण क्या? हमारा पिता तो शांति का सागर है और हम उसके बच्चे अशांत क्यों? आजकल की दुनिया में हमने देखा है, चारों ओर वर्ल्ड में चक्कर लगा के देखा है, तो एक अनुभव तो हमें बहुत पक्का हो गया है, चाहे फॉरेन में चाहे इंडिया में। किसी से भी पूछो, छोटे बच्चे से, बूढ़े से, एक ही प्रश्न अगर किसी से भी पूछो तो आपको टेंशन है, तो सभी मेजॉरिटी कहते हैं हाँ टेंशन तो है ही। तो परमात्मा हमारा पिता, शांति का सागर, शांति दाता, और हम उसके बच्चे टेंशन में क्यों? कारण क्या है? कारण यही है कि हम परमात्मा को अपना पिता तो कहते हैं, लेकिन चेक करें कि परमात्मा से हमारा पिता और पुत्र का कनेक्शन या रिलेशन है
अगर कोई राजकुमारी हो, राजा की लड़की हो, और आपके पास आकर के कहे कि आज मुझे दो रोटी दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है, तो आप क्या मानेंगे कि ये राजा की लड़की राजकुमारी है? अवश्य आपको संकल्प आएगा कि कोई कारण होगा ये जो भूखी है। तो आप अपने से हम हरेक पूछे कि परमात्मा दाता के बच्चे अशांत टेंशन में क्यों, कारण क्या हुआ? क्योंकि जब तक कारण का निवारण हम नहीं करेंगे तो निवारण तब होगा जब कारण का पता पड़े। तो मूल कारण क्या है? हमारा रिलेशन कनेक्शन परमात्मा पिता से जो था वो क्यों भूल गया? आज परमात्मा को याद करने के लिए बैठते हैं तो मेजॉरिटी भाई बहने यही रिपोर्ट करते हैं, मन नहीं लगता है। बहन जी बहुत कोशिश करते हैं परमात्मा को याद करने के लिए, लेकिन परमात्मा के बजाय और ही और बातें याद आ जाती। काम में बिजी होते हैं तो काम के ही संकल्प चलते हैं, लेकिन परमात्मा को याद करने बैठते हैं तो पता नहीं क्या क्या संकल्प उठ जाते, व्यर्थ टेंशन के। कारण क्या? एक हमारे से गलती हुई है, छोटी गलती लेकिन बड़े से बड़ी है। वो हमारी गलती क्या है? जो मैं कौन हूं, व्हाट एम आई, ये ही भूल गए हैं हम, अपने आप को भूल गए हैं। मैं आपसे पूछने चाहती हूं कि आप सारे दिन में दो शब्द कितने बारी कहते हो, एक मैं दूसरा मेरा। और मैं और मेरा दोनों शब्दों में अंतर है। मेरे का मैं सदा मालिक हूं तभी कहता हूं मेरा। तो शरीर के लिए हम क्या कहते हैं? कभी भी आपको सिर दर्द होता होगा या कोई भी कोई दर्द हो तो आप क्या कहेंगे, मैं सिर में दर्द हूँ कि मेरे सिर में दर्द है? आज मेरा शरीर ठीक नहीं है, आज मैं शरीर ठीक नहीं हूँ, ये कभी भी नहीं कहते। तो शरीर तो मेरा है, लेकिन मैं कौन, व्हाट एम आई की पहेली यही हम भूल गए। हमने देखा है 67 वर्ष हो गए हैं, देश विदेश की आत्माओं के साथ हमारा संबंध होता ही रहता है। हम किसी से भी पूछते हैं आप कौन हो, तो क्या जवाब देते हैं? मैं फलाना हूँ, फलाना ऑक्यूपेशन है, फलाने बच्चे हैं इतने, इतनी प्रॉपर्टी है। हम पूछते हैं आप कौन हो, और वो परिचय देते हैं मेरे का। मैं का परिचय नहीं देते, मेरे का परिचय देते। तो ये छोटी सी गलती, जैसे देखो अभी यहाँ ये तार का कनेक्शन माइक का अच्छा है तो आप सुन रहे हो ना प्यार से। अगर अभी अभी थोड़ा बिजली का कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, और तार का तार से कनेक्शन थोड़ा लूज हो जाए या कट हो जाए, और मैं फिर से उस तार को जोड़ने चाहूँ,
और एक गलती मैं ये करूं कि ये ऊपर का जो रबर है ना वो मैं उतारूं नहीं और तार को तार से जोड़ने की कोशिश करूं, तो मैं सारा दिन रात भी कोशिश करूंगी तो क्या करंट आएगा, तार का तार से कनेक्शन होगा नहीं होगा, टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट जाएंगी। इसी रीति से हम परमात्मा को याद करने बैठते हैं लेकिन आत्मा का बच्चा कौन है? क्या शरीर आत्मा का बच्चा है? शरीर का पिता तो आपका अलग अलग है, किसी से भी मैं पूछूंगी तो एक का भाई भाई होगा तो एक ही होगा, बाकी अगर दूसरे दूसरे होंगे तो हर एक अपने पिता का नाम अलग अलग बताएंगे, एक नहीं होगा। तो आप सोचो, हम सब कहते हैं, चाहे किसी भी धर्म वाला है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, कोई भी हो, लेकिन गॉड इज वन, सभी ने कहा है। गॉड इज टू थ्री ये किसी ने नहीं माना। जब परमात्मा एक है और हम सब कहते हैं भिन्न भिन्न भाषा में, चाहे कोई अल्लाह कहे, कोई प्रभु कहे, कोई गॉड कहे, कुछ भी कहे, लेकिन परमात्मा एक है और हम सब एक पिता के बच्चे हैं, वो कौन? क्या शरीर? कि शरीर के अंदर जो मैं आत्मा विराजमान हूँ वो आत्मा परमात्मा की संतान। जैसे परमात्मा अविनाशी है वैसे मैं आत्मा भी अविनाशी हूँ। शरीर विनाशी है, शरीर को हम जलाते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। तो मैं आत्मा हूँ, अविनाशी आत्मा, अविनाशी पिता परमात्मा की संतान है। तो आप सोचो, अपने को आत्मा समझ के बैठते हैं? अभी कोई मेरा समझो बाप है नहीं और मैं उसके पीछे पड़ जाऊं, पिताजी पिताजी मेरी बात सुनो, पिताजी आप मेरे ही तो हो, वो सुनेगा? कहेगा मैं हूं ही नहीं तो मैं क्या सुनूं। इसीलिए परमात्मा प्रार्थना सुनता ही नहीं है, क्योंकि आप उसके बच्चे आत्मा होके तो बैठते ही नहीं हो। तो यही एक छोटी सी गलती ने हमारे को परेशान टेंशन में लाया है। वो गलती है अपने आप को भूल गए। जो अपने आप को भूल जाएगा वो परेशान नहीं होगा तो क्या सुखी होगा? तो यहाँ यही कारण को निवारण किया जाता है। शांति हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार हमारे से क्यों खोया? कारण है कि हम आत्मा है ये तो बिल्कुल भूला हुआ है। सुना जरूर है सोल है, सुप्रीम सोल है, लेकिन रिलेशन और कनेक्शन कहाँ है? अगर रिलेशन कनेक्शन होता तो हमारे आत्मा में शांति, सुख, आनंद, प्रेम जरूर होता। तो यहाँ आप आए हैं, हमें बड़ी खुशी है, आपके भाग्य को देख करके हमको खुशी हो रही है कि देखो निमंत्रण तो कईयों को मिलता है लेकिन आए देखो आप ही हो। आपने निमंत्रण स्वीकार किया, आप शांति प्रिय हो, शांति से आपका प्यार है, इसीलिए आप यहाँ पहुँच गए हो। इसीलिए हमको आप भाई और बहनों को देख करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आत्मक परमात्मक भाई और बहनें हमारे से बिछड़ करके देखो कहाँ कहाँ किस किस देश में आप जाके पहुँच गए हो।
दूर दूर देश से के आए हैं देखो, और हमारे आध्यात्मिक भाई बहने जो हमारे से बिछड़ गए थे, कनेक्शन रिलेशन में दूर हो गए थे, वो अगर बिछड़े हुए भाई बहने आकर के मिल जावे तो बताओ आपको कितनी खुशी होंगी। एक भाई भी खोया हुआ मिल जाता है तो अखबारों में छप जाता है, भाई मिल गया। तो हमको तो अखबार तो क्या है, हम तो किस सुनहरी शब्दों में कहे हमारे आध्यात्मिक भाई हमको मिल गए। तो आपको खुशी है, है खुशी है तो हाथ उठाओ जिसको खुशी है। हम आ गए हैं, आ गए, वाह, वेलकम 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 वेलकम। अभी क्या करेंगे हाँ? अभी आज आपको शीलू बहन ने आत्मा का पाठ तो पक्का कराया है। अभी मैं आपसे अगर पूछूं आप कौन हो, क्या जवाब देंगे? वही मैं फलाना हूँ कि कहेंगे मैं आत्मा हूँ? याद रखना ये पाठ नहीं भूलना, नहीं तो परेशानियाँ आ जाएंगी, पहाड़ गिर जाएगा परेशानियों का। इसीलिए ये पाठ पक्का करके जाना कि मैं अविनाशी आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा जो है, जो ज्योति बिंदु है, हमने यहाँ ब्रह्मा बाबा का भी चित्र लगाया है तो कई गलती करते हैं, वो समझते हैं शायद ये ब्रह्मा बाबा जो है ना इसको ही भगवान मानती है, लेकिन हम मनुष्यात्मा को भगवान नहीं मानते। हाँ वो उच्च आत्माएं हैं, देवताएं हैं, महान आत्माएं हैं, धर्म आत्माएं हैं, लेकिन परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, मरता नहीं। तो इसीलिए हम परमात्मा के बच्चे हैं और आत्मा है। ये पाठ कितने भी भाषण सुनो आप, अगर वो कोई भाषण आपको भूल भी जावे उसमें कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। गांठ बांध लो, मन में गांठ बांध लेना, रुमाल की नहीं, रुमाल तो मैला होगा फिर आपको धुलाई करना पड़ेगा, लेकिन मन में ये गांठ बांध लो मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। आप उस ट्रायल करके देखना, ये जो यहाँ दिन आपको मिले हैं बहुत लकी डेज है आपके लिए, क्योंकि अभी कोई जिम्मेवारी आपकी नहीं है। हमको पता है हमारे सेवा केंद्र पर बहने रहती है, बहुत बिजी रहती है, डबल काम करती है, एक स्पिरिचुअल टीचर और दूसरा फिर जो जॉब होता है उसको भी उनको करना पड़ता है, बहुत बिजी रहती है और अपने शरीर का तो काम करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, खाने बनाने की भी जिम्मेवारी नहीं है, खाना भी आपको बना बनाया शुद्ध मिलेगा यहाँ, और उल्टा सुल्टा खाना तो नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वेजिटेरियन ही मिलेगा, अच्छा है, क्योंकि जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है, अगर अन्न अशुद्ध है तो मन भी अशुद्ध जरूर होता है, अन्न और मन का आपस में कनेक्शन होता है। तो आपको भोजन भी मिलेगा और कोई जिम्मेवारी नहीं, बच्चों को स्कूल में भेजना है या दफ्तर में जाना है टाइम पर, 8 बजे है, घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो अनाउंसमेंट होती है, घड़ी नहीं हो तो भी चलेगा। तो यहाँ आप बहुत फ्री हो और एक ही काम है आपको यहाँ, और कोई नहीं, और कोई नहीं सोचना। अगर आपको वहाँ का हो एक बारी फ़ोन करके निश्चिंत तो हो जाओ, भाई हम ठीक पहुँच गए, आप भी ठीक रहना बस, फिर आप और बातें सोचना नहीं, एक ही पाठ पक्का करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ,
फिर देखो आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। हमको शांति क्यों प्रिय लगती है? कोई भी चीज़ जब टेस्ट की हुई होती है तभी तो याद आता है कि वो हो, जैसे आम है मानो, या इंडिया में आम को बहुत रुचि से खाते हैं, बच्चे तो बहुत प्यार से खाते हैं, तो आम की टेस्ट की तो उनके पिताजी जाते हैं ना बाजार में, तो बच्चे कहते हैं पिताजी आम ज़रूर लेके आना, क्योंकि टेस्ट एक बारी की है ना तो याद आता है। तो ऐसे ही आप अभी अनुभव करके देख लिया, मेडिटेशन का थोड़ा सा अनुभव किया, अभी चखा है, लेकिन अभी खाना अभी चख के सिर्फ थोड़ा एक पार्ट पर है ना, तो चख लिया है, अभी उसको याद करते रहना मैं कौन। आप कहेंगे भूल जाता है ना, चाहते तो है याद करना लेकिन भूल जाता है। मैं आपको एक विधि बताती हूँ, बहुत इजी। आप पांच बारी खाना खाएंगे, देखो पहले सुबह को उठ के मॉर्निंग टी या वाटर कुछ भी, अच्छा फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर लंच करेंगे, फिर शाम की टी पियेंगे और फिर डिनर करेंगे। पांच बारी तो करेंगे ना, ये तो नहीं भूलेगा ना, ये तो शरीर का नियम पक्का हो गया है ना, चाहे एक घंटा लेट हो जाए लेकिन खाएंगे तो सही ना। अच्छा उन पांच टाइम में आप अपना पाठ अपने को चेक करना, जब भी भोजन पर बैठो चाय का ग्लास आपके सामने आवे पहले अपने से क्वेश्चन करना मैं कौन, व्हाट एम आई, ये चाय का ग्लास कौन पी रहा है, आत्मा को आप हाथ से पिला रहे, आत्मा पी रही है, आत्मा आपको ग्लास भी उठाने की शक्ति दे रही है, आत्मा निकल जाए तो ग्लास तो उठा के दिखाओ। तो इसीलिए ये पांच टाइम आपको निश्चित है, इसमें चेकिंग करना आप, मैं आत्मा हूँ पक्का है, रिलेशन कनेक्शन परमात्मा से पक्का है, आत्मा समझेंगे तो परमात्मा से कनेक्शन ऑटोमेटिकली होगा, क्यों, आत्मा का और कुछ भी नहीं है, काका मामा चाचा कुछ भी नहीं है, आत्मा को शरीर के साधन भी नहीं चाहिए, पदार्थ भी नहीं चाहिए, न संबंध है न पदार्थ है, कहाँ बुद्धि जाती है, या संबंध में या पदार्थ में, पैसा भी तो पदार्थ है ना, कमाई करते हो खर्च के लिए, पैसे कमाने के लिए ना, आत्मा को कमाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आत्मा शरीर में है तो शरीर के लिए कमाना पड़ता है, उसकी बना नहीं है, कमाओ ना जाके जो करते हो वो करना, लेकिन यहाँ जो है यहाँ फ्री है, तो मैं समझती हूँ आपको शिव बाबा ने आध्यात्मिक भाई बहनों को यहाँ भेजा है, तो अवश्य आप मेडिटेशन का पक्का पक्का अभ्यास करके जाना, और ये अभ्यास आपको बहुत मदद देगा। मैं तो कहती हूँ अच्छा सब कुछ भूल भी जाए ना आपको, एक तो मैं आत्मा हूँ ये पक्का याद करना, परमात्मा का बच्चा हूँ ये याद करना, तीसरा एक दो में जब भी मिलते हो ना तो ओम शांति, अपने को भी ओम शांति, सवेरे उठो पहले पहले परमात्मा से गुड मॉर्निंग करना, और किसको नहीं देखना, उठते आंख खुलते परमात्मा पिता मीठा बाबा प्यारा बाबा गुड मॉर्निंग, तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीतेगा, क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति को देखते हैं ना, कोई अच्छे व्यक्ति को देखते हैं उठते तो सारा दिन बहुत अच्छा बीतता है, कोई ऐसे वैसे को देखते हैं ना तो कहते पता नहीं आज किसको देखा है मेरा दिन ही खराब हो गया, तो सबसे अच्छे से अच्छा कौन है, गॉड फादर, तो उससे पहले गुड मॉर्निंग करना, और सोते हुए जो भी कुछ किया ना अच्छा बुरा जो भी हुआ आपका, चेकिंग तो करेंगे ना पांच बारी, भूलना नहीं,
पांचवारी चेकिंग करेंगे, आपको अपने चार्ट का पता पड़ेगा, मेरा अच्छा बीता खराब बीता, फिर वो सारा अपना हालचाल जो है ना, वो शिव बाबा को सोते हुए देख करके आप बिल्कुल माइंड फ्री, एकदम खाली दिमाग से परमात्मा से गुड नाइट करके सो जाना, तो आपका दिन जो मॉर्निंग आएगा दूसरा वो बहुत अच्छा होगा। तो गुड मॉर्निंग करना, गुड नाइट करना, और जो भी समाचार सारे दिन का हुआ, अच्छा या थोड़ा ठीक नहीं भी हुआ, तो पिता को सुनाने से वो माफ़ कर लेगा हमारे को, इसीलिए सुना देना, सब हाल चाल दे देना, और अपने को बिल्कुल खाली लाइट, डबल लाइट, आत्मा लाइट, और लाइट माना हल्का बोझ नहीं, तो डबल लाइट होके गुड नाइट करके सो जाना, सो जाएंगे। और दूसरी बात, ओम शांति शब्द जो है उसको अर्थ से याद करना। ओम शांति का अर्थ ही है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। अर्थ से अगर आप ओम शांति शब्द कहेंगे ना, तो आप आत्मा शांत स्वरूप स्मृति आ जाएंगी, अशांति खत्म हो जाएंगी, टेंशन खत्म हो जाएगा। हमको शिव बाबा ने कहा था, तो जब भी आपको टेंशन आवे ना, तो आप क्या करना, टेंशन के आगे ए ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, अटेंशन। कहाँ अटेंशन जाएगा, शिव बाबा की तरफ। देखो परमात्मा को याद करते हैं तो क्या करते हैं, ऊपर ऐसे अंगुली उठाते हैं, तो अटेंशन परमात्मा के तरफ होने से क्या होगा, टेंशन खत्म, अटेंशन चला जाएगा शिव बाबा में। तो ओम शांति शब्द खुद भी अपने प्रति भी यूज़ करना और दूसरे के प्रति भी यूज़ करना, तो आप सदा खुश रहेंगे, मौज में रहेंगे। कई भाई बहनें कहते हमको खुशी नहीं होती है, हम कहते खुशी नहीं होती है तो बाकी मानव जीवन में आके क्या किया। पशु भी खुश रहते हैं जो पलते हैं, पलंगों में सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो भी खुश रहते हैं। और आप मनुष्य जीवन, हीरे जैसी जीवन, और उसमें खुशी नहीं। मैं तो सभी को कहती हूँ, अगर आपकी खुशी नहीं है ना जिस दिन, तो आप समझो मैं कोमा में पड़ी हूँ, कुछ नहीं, खुशी नहीं तो लाइफ क्या है। खुश रहना तो मनुष्य जीवन की लाइफ है, तो खुश रहना, ओम शांति के अर्थ में टिकना, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, इस स्मृति में रहना, अपने को चेक करना, गुड मॉर्निंग गुड नाइट ज़रूर करना। ओम शांति।